नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने अप्सरा साधना और मेरी सच्ची प्रेम कहानी के दो भागों को जान लिया है, तो चलिए आगे जानते हैं इस कहानी में आगे क्या घटित होता है। गुरुजी, जब उस लड़की ने मुझसे इस प्रकार से बात की तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। यह मुझे बिना किसी वजह के इतना बुरा क्यों बोल रही है? तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ना कि आपका मोबाइल मेरे पास रह गया था, जो कि मेरी नहीं बल्कि आपकी ही गलती थी, इसलिए आप मुझे इस प्रकार से दोष नहीं दे सकती हैं। तब उसने गुस्से में कहा, एक तो तुमने मुझे बहुत परेशान किया, ऊपर से मैं लगातार फोन करती रही, तुमने उठाया भी नहीं, और आज जब मुझे यह फोन प्राप्त हुआ तो तुम्हारी सच्चाई भी पता चल गई। तो मैंने उससे पूछा, आप किस सच्चाई की बात कर रही हैं? तो उसने बताया कि यह मुझे जब मैं शहर की तरफ गई और एक दुकान पे जो कि मोबाइल की थी, वहाँ पर मेरी नजर तुरंत इस मोबाइल पे पड़ी। मैंने उससे कहा, यह मोबाइल किसका है? तो उसने कहा, ऐसे ही किसी का मोबाइल बेचने के लिए कोई आदमी आया हुआ था। तब मैंने कहा, क्या यह आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि यह तो मेरा मोबाइल है। तब उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब उसने आपका ही मोबाइल चुरा कर दिया होगा। ठीक है, आप इस मोबाइल को ले लीजिए, लेकिन आप अगर इसका पासवर्ड खोल पाई तो मैं मान लूंगा। और फिर मैंने उसके सामने ही पासवर्ड खोल कर उसे दिखाया और साथ में अपनी फोटो और गैलरी में जितनी भी फोटोज, चित्र, वीडियो वगैरह थे, सब कुछ दिखाए। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने उसे दिखाए तो वह मान गया। तब उसने कहा, एक बार अपने मोबाइल नंबर से मुझे कॉल कीजिए। तब उसने जब इस प्रकार कहा तो मैंने उसके मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर दिया और फिर वह कहने लगा, ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है, कोई समस्या होगी तो मैं बताऊंगा। ऐसे लोग दूसरों का मोबाइल चुरा कर बेचने के लिए चले आते हैं। और यह कहकर उसने मुझे वह मोबाइल दे दिया और इस प्रकार 2-3 दिन से मैं उससे बातचीत भी कर रही हूँ। तो उसने बताया कि तुम कितने खराब व्यक्ति हो। तब मैं सारी बात समझ गया। मुझे यह पता चल चुका था कि यह सब कुछ किया कराया उस दुकानदार का है, क्योंकि यह लड़की खूबसूरत है और बाहर से पढ़कर आई है, इसलिए मेरे माध्यम से इसने इससे अपनी दोस्ती करने के लिए ही मेरे बारे में गलत सलत बातें बताना शुरू कर दिया है। मैंने उससे कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारा मोबाइल जब देखा तो वह चार्ज नहीं था, तो उसे चार्जिंग में लगाया, उसके बाद गांव में तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया, वहाँ भी तुम नहीं मिली। उसके बाद घर वापस पहुँचा तो फिर मुझे चार्जर की प्रॉब्लम आ गई। चार्जिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे मैंने सारी बातें बता दी, जिसका फायदा उसने उठाया। तब लड़की ने कहा, क्यों बेवकूफ बनाते हो? उस लड़के ने मुझे कहा था कि 4,000 रुपए में तुमने मेरा मोबाइल बेच दिया है, इसीलिए वह कह रहा था कि 4,000 रुपए ना सही, 2,000 रुपए तो मुझे दे ही दो, इसीलिए वह रोज रोज मुझे फोन करता है। तब मैंने उसे कहा है, ठीक है, मैं कुछ पैसा अवश्य दूंगी, वैसे भी तुमने मेरा मोबाइल संभाल कर रखा हुआ था। तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं उस दुकानदार के पास चलता हूँ और तुम्हारे सामने ही उससे सच उगलवाता हूँ। तब उसने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उसे डराओगे और धमकाओगे, और बेचारा कहीं तुम्हारे डर के मारे वह वही बोल दिया जो तुम चाहते हो, तब भी मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरी किसी भी कॉल को तुमने उठा लिया होता, जो कि मैं दिन भर करती रही, तो शायद मुझे तुम पर विश्वास हो जाता, पर तुमने तो एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तब मुझे सच में बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी सच्चाई खुद ब खुद कोई ना कोई बताएगा और तब तुम मुझ पर विश्वास करोगी। मैं भगवान पर पूरा विश्वास रखता हूँ। गुस्से से मैं वहाँ से बाइक स्टार्ट करके अपने गांव की तरफ वापस आने लगा। रास्ते भर बाइक में बैठे हुए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी उलझन आ चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एक अच्छी दोस्त मैं खो चुका था, यहाँ तक कि उस दुकानदार को मारने का मन कर रहा था, इसलिए गाँव की तरफ जाने के बजाय मैं शहर की तरफ अपनी बाइक मोड़ने वाला था कि तभी मैंने याद किया, माँ ने कहा था जल्दी वापस आ जाना, इसलिए अपने आप को
मैंने समझाया और इसके बाद फिर मैं अपने घर पहुंच गया। माँ ने कहा, काफी देर बाद आए हो, क्योंकि बीच में मैं स्वयं एक स्थान पर किनारे खड़ा होकर सोचने लगा था, इसलिए काफी समय और भी ज्यादा बीत गया था। फिर मैं बाइक स्टार्ट करके माँ पर आकर वापस आ गया और फिर मैं यहाँ माँ से बातचीत करने लगा। माँ ने खाना बनाया। उस पूरी रात मैं परेशान रहा। अगली दिन फिर से मैंने बाइक स्टार्ट की और पहुंच गया उस दुकानदार के पास। तब जब मैं दुकानदार के पास पहुंचा तो वह कहने लगा कि अरे वह लड़की आई थी और कह रही थी कि वह लड़का बहुत नालायक है, मेरा फोन उसने नहीं उठाया। और तब वह कहने लगी कि तुम उसके साथ गलत हरकतें भी कर रहे थे, अश्लील बातें भी कर रहे थे। तब मैंने कहा, उसने तो कहा कि तुमने मेरे बारे में गलत बताया है। तो वह कहने लगा, नहीं मैंने कोई गलत बात नहीं की, बस मैंने यह कहा कि अगर तुम्हारा मोबाइल है तो इसमें उस लड़के का नंबर तो जरूर होगा। पर उसने कहा, मेरे पास उस लड़के का नंबर नहीं है। तभी मैंने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि यह तुम्हारा मोबाइल है। तो वह गुस्से में हो गई। तब मैंने कहा, ठीक है तुम मुझे 2000 रुपए दो और अपना मोबाइल लेकर चली जाओ। तब उसने कहा, मैं 1 रुपए भी नहीं देने वाली, तुम भी लगता है उस लड़के के दोस्त हो। तब मैंने कहा, ठीक है तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें यह मोबाइल फ्री में देता हूँ, लेकिन पहले इसका पासवर्ड डालकर खोल लो। तो उसने पासवर्ड डालकर तो सच में मोबाइल खोल लिया, इसीलिए मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और वह बार बार तुम्हें गाली देते हुए जा रही थी। मैं जब उसकी यह बातें सुना तो अभी तक तो मैं सच में उस लड़की की कोई गलती नहीं समझ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह लड़की ही गलत है और यह दुकानदार सही बोल रहा है। मैं इस दुकानदार के पास आकर और भी ज्यादा उलझन में फंस गया था। आखिर सच्चाई क्या है? क्या उस लड़की के पास दोबारा जाऊं या फिर उस लड़की को यहाँ लेकर आऊं? और इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? तब वह घटना घटी, जिस घटना को बताने के लिए ही मैंने यह सारी कहानी आपको सुनाई है। कहते हैं, अगर आप कोई साधना करें तो उसमें शक्ति आपकी अप्रत्याशित रूप से सहायता अवश्य करती है और कोई भी साधना निष्फल नहीं जाती है। इसीलिए मुझे पता नहीं मेरे मन में कैसे यह विचार आ गया कि एक बार उस साधना को करके देखता हूँ और उस अप्सरा से कहता हूँ, अब तुम ही कोई मार्ग निकालो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अप्सरा की साधना करूँगा और उससे मदद मांगूंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर यह लड़की सच्ची है तो मेरी दोस्त बने, और अगर यह मुझे मूर्ख बना रही है तो इसे सबक मिले, उस दुकानदार को सबक मिले। अगर वह झूठ बोल रहा है और अगर वह सच बोल रहा है तो वह मेरा और अच्छा दोस्त हो जाए। यह सोचकर मैं घर आ गया। माँ से मैंने कहा कि एक कमरा जिसमें ताला लगा रहता है, क्या मैं वहाँ पर पूजा पाठ कर सकता हूँ? तब माँ ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है, तुम मंदिर में जाकर भी तो कर सकते हो। पर मैंने कहा, माँ इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ, शायद उन्हें मेरी आंखों में कोई लक्ष्य दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। उस रात्रि से लेकर 3 रातों तक लगातार मैं अप्सरा के मंत्रों का जाप करता रहा। चौथी रात मैं अचानक से सो गया। मेरे सिर पर किसी के उंगलियों की छूने की पूरी अनुभव मुझे उस वक्त हुई थी, और सुबह के वक्त अचानक से किसी ने मेरा नाम मेरे कान में जोर से बोला और मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैं वहीं साधना करते हुए सो गया था कि तभी माँ ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। मैं उठकर अपनी आंखें मलते हुए दरवाजे पर गया। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी और वह एकदम से मेरे गले लग गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो, मुझे सपने में रोजाना एक लड़की आती है और कहती है तुमने गलत किया है। और उसके बाद जब मैंने सपने में उससे बातचीत की तो उसने मुझे सारे दृश्य दिखाए कि कैसे उस दुकानदार ने मूर्ख बनाया है
मुझे और तुम्हारी सच्ची दोस्ती को मैं नहीं समझ पाई। बार बार उन चीजों को समझने के लिए मैंने एक और काम किया। तब जब वह दुकानदार का लड़का दुकान पर मौजूद था, उस वक्त जाने के लिए उस लड़की ने सपने में मुझसे कहा था, और यह भी कहा कि 3 दिन पहले का CCTV जो उसकी दुकान में लगा है उसे देखो, जाकर उसे पैसे दे देना और कहना कि एक जानकारी चाहिए थी, इसीलिए वह सब कुछ चुपचाप दिखा देगा क्योंकि वह लालची है। और उसने सच में मुझे सारा CCTV कैमरा दिखा दिया। 3 दिन पहले जो तुम्हारी बातें उसके साथ हुई थी और उसके बाद जब दोबारा तुम उसके पास गए तब की भी मैं अच्छी तरह समझ गई, उस दुकानदार ने ही मुझसे दोस्ती करने के लिए यह सारा प्रपंच रचा था। और देखो उसे भी सबक मिल गया है। वह सुबह मुझसे मिलने ही आ रहा था क्योंकि उसने कहा कि वह कुछ बातें तुम्हारे बारे में और भी बताना चाहता है, जिसे सुनकर मैं भौचक्की रह जाऊंगी। इसलिए वह जब हमारे गांव के एक गली से गुजर रहा था तो वहां पर एक भैंस भड़क गई थी और उसने उसकी बाइक और उसे गिरा दिया। उसके पैर में चोट आई है और वह इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। सारी बातें आज मैं समझ चुकी हूँ, वह लड़की जो भी थी, लेकिन उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई, तुम्हारे सच्चे प्रेम के बारे में भी बताया है, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे जैसा ही जीवन साथी चाहती हूँ। इसके बाद मैंने भी उसे प्यार के लिए प्रपोज कर दिया। अच्छी बात यह थी कि वह मेरी ही कास्ट की लड़की थी और आज हम लोगों की सगाई तय हो चुकी है। तो गुरुजी, यह एक सत्य घटना है जो कि आप सच नहीं मानेंगे पर घटित हुई थी, जिसकी वजह से मैं आज एक खूबसूरत लड़की को अपने जीवन में लेकर आ पाया, और वह भी किसी अप्सरा की वजह से। आपकी उस साधना के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आपको प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार से साधना के माध्यम से शक्तियाँ बहुत बड़ी मदद भी करती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।